हेलो गाइस। तो आज मैं आपको सुनाने वाला एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी एक लेडी की जो कि बैंक में मैनेजर थी। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर के लिए निकली हुई थी। पार्किंग में पहुंचे, उसने गाड़ी का गेट खोला। जैसे उसने गेट खोला तो सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई थी जो उसको इस तरह से हेलो कर रही थी। उसने उसे देख के हेलो कर दिया, गाड़ी का गेट लगाया और वो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच के उसने अपना घर का गेट खोला। गेट खोल के अब अंदर आते, फिर गेट बंद करना। तो जैसे वो गेट को बंद करने वाली थी तो उसे दूर वही लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। उसे लगा नहीं, उसने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, हो सकता है। तो उसने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके वो थोड़ा बहुत अपना काम वाम करके अपने रूम में गई जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे था, और जाके उसने विंडो के पर्दे हटाए। तो जैसे उसने पर्दे हटाए, पर्दे उठा दिए, उसको सबसे पहली चीज सामने दिखी वो वही लड़की वहां पे खड़ी थी। उसके घर के पास आ चुकी थी वो। उसको देख के वो डर गई, ये तो वही लड़की है जो मुझे पार्किंग मिली थी और थोड़ी पहले गेट के बाहर भी दिखी थी। पहले तो उसने उसको इग्नोर कर दिया, पर इस बार उसको इग्नोर कैसे करे तो उसे समझ में नहीं आया। उसने वापस से पर्दा लगा दिया और थोड़ा वो सहम गई। पर्दा लगा के जस्ट जस्ट वो अपना पर्दा लगा के बैठी ही थी सोफे के तने से, उसके घर की डोरबेल बजी। वो डर गई, कहीं ये वही लड़की तो नहीं इसने जिसको मैंने विंडो के बाहर देखा। वो डरते 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 अपने घर के गेट के पास गई। उसने जैसे गेट खोला तो गेट खोलते उसने अंदर, ओह तुम हो। सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ था। तो बोलती उसका हस्बैंड बोलता, हाँ मैं हूँ, क्या हुआ, कोई और आने वाला था? तो नहीं 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 ऐसे कुछ नहीं है, बस तुम आ जाओ। तो अंदर आ गई और उसने गेट लगा और बोलते ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, मैं कुछ काम करके आती हूँ। तो वापस ऊपर चली गई। 5-10 मिनट के बाद उसको कुछ काम पड़ा, उसने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई। तो जैसे हस्बैंड को आवाज़ लगाई वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई, उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो उतर के नीचे गई तो नीचे तो देखा कि पूरे घर में उसका हस्बैंड कहीं पर है ही नहीं। उसे समझ में नहीं आया, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया। तो उसने फ़ोन लगाया तो उसके हस्बैंड बोला हेलो। तो बोलते तुम कहाँ पर हो? तो बोलता मैं तो ऑफिस में हूँ। क्या बात कर रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले तुम घर आए थे? तो पागल हो गई हो, मैं तो अभी ऑफिस से निकला ही नहीं, मुझे अभी और टाइम लगेगा, मैं कम से कम आधे 1 घंटे बाद ऑफिस से निकलूंगा। अच्छा तुम अभी तक तो ऑफिस में ही हो? तो फिर उसको समझ में नहीं आया। उसने बोला कि क्या बात हो गई? तो नहीं 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 कुछ नहीं, उससे लगा कि उसका वहम है। और पर अब उसने अपने हस्बैंड को आते हुए देखा तो उसको समझ नहीं आता कि कौन आया था। उसी को समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद वो लड़की उसे अपने सामने खड़ी दिखती अपने घर के अंदर, और वह भी उससे इस तरह से हेलो कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसका हस्बैंड अपने घर पे पहुंचा तो उसे वहां पर उसकी वाइफ नहीं, उसकी लाश मिली।